हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का केवी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, मल्टीप्लिकेशन, गुना। गुना बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। अब हेल्पफुल इसलिए कहेंगे इसको कि आपको ये पता है कि कैलकुलेशन मतलब मैक्सिमम लोग समझते हैं कि गुना करना है कैलकुलेशन होता है, और ये बात भी सही है कि कैलकुलेशन में सबसे टफ होता है तो गुना और भाग करना। भाग तो थोड़ा इजी भी है, बट गुना थोड़ा सा मुश्किल है। अब इस गुना को आसान कैसे किया जाए। जैसे हम लोग सब्जी के दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि सब्जी वाले को दिए हैं तो वो इजी में जोड़ घटा करके दे देता है, तो चलिए वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही गुना की बारी आती है, सब कोई थोड़ा देर के लिए सोचने के लिए लग जाते हैं कि हाँ कैसे करें। हम भी सोचने पर लग जाते हैं, आप भी लग जाते हैं, जो भी हो लग जाते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इसको आसान कैसे किया जाए। हालांकि इसे पूरा आसान तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर आसान कर सकते हैं कि पहले की अपेक्षा अब कम समय लगेगा। और ख़ास करके जब भी बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें गुना का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। गुना का रोल इसलिए ज़्यादा होता है कि बैंकिंग ही ऐसा सेक्टर है जिसमें क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन RRB में तो 20-20 क्वेश्चन तक कैलकुलेशन से रहता है, और बाकी अदर एग्ज़ाम में तो 1-2 क्वेश्चन रहते हैं मल्टीप्लिकेशन से, तो उसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूज करते हैं और सही हो जाता है। बट बैंकिंग में देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें जोर घटाओ गुना भाग सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास करो सब चीज़ बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हैं। अगर इस 15 क्वेश्चन के आपने अगर 8 से 10 मिनट में नहीं किया तो आप अच्छा स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि RRB PO और क्लर्क का नोटिफिकेशन एग्जाम होने की संभावना है, नोटिफिकेशन तो जून में ही आना था बट अब अगस्त तक डिले हो सकता है, सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो यानी हमारे पास प्रॉपर समय है, और सबसे कम समय में अगर कोई जॉब लिया जा सकता है तो वह है बैंकिंग का, और बैंकिंग में सबसे आसान है तो RRB PO क्लर्क। तो उसको देखे तो उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो हमने पढ़ा है स्क्वायर क्यूब निकालना, फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे ताकि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको भी यह पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और एक छोटे से ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें 100 के आसपास के नंबर को गुना करना हो, 100 के आसपास को मतलब अगर हमें 105 में 106 से मल्टीप्लाई करना हो, यानी क्या है ये 100 के आसपास है, क्योंकि 100 से कितना अधिक है ये 5 अधिक है, ये कितना अधिक है ये 6 अधिक है, यानी 100 के आसपास हुआ। या 95 × 86 कर लेते हैं, ये भी क्या है 100 के आसपास है, ये 100 से कम है ये ज्यादा है, यानी ये प्लस वाला केस है और ये हमारा माइनस वाला केस है। कितना कम है ये 5 कम है ये और ये 14 कम है। दो चीजें होता है, एक प्लस का केस एक माइनस का केस, और एक दोनों प्लस और माइनस को मिला करके होता है। तो आज के सेशन में हम लोग तीनों देखेंगे, और प्लीज सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा सेशन को नहीं देखेंगे कुछ भी अगर छूट गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सब्सक्राइब और लाइक बाद में कीजिएगा, एक बार पहले सेशन को आप लोग देख लीजिए, अच्छा लगे तब लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छा लगेगा तभी आप दूसरों को बता पाइएगा कि हाँ अच्छा है या नहीं है। बस इतना तो मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि आपको सेशन से इतना तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा कि आप बैंकिंग में नहीं कुछ तो कम से कम 5 क्वेश्चन जहाँ पहले बनाते थे अब वो 7 से 8 क्वेश्चन बनाएंगे, और अब लगातार बने रहते हैं जितने भी सेशन लोग डाल रहे हैं, अगर लगातार बने रह रहे हैं तो RRB PO और क्लर्क में दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 क्वेश्चन में आप 40 के 40 बना करके आएंगे, क्योंकि हम लोग उस स्तर पे ही काम करेंगे कि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं और कैसे एक समय एक निश्चित समय में चीजें अचीव हो पाए, चाहे वो मैथ की बात हो चाहे रीजनिंग की बात हो। RRB में मैथ रीजनिंग होते हैं, IPS में मैथ रीजनिंग और इंग्लिश तीनों रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं 100 लिए हैं प्लस का केस और माइनस का केस। अब प्लस के केस में क्या देखें कि 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है और ये 6 अधिक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना अधिक है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, यानी 5 का 5 को इस 6 में गुना करना, कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ 30 लिख देंगे। सबसे पहले जो अधिक है अधिक वाले पार्ट को गुना करके लिख देते हैं, और उसके बाद क्रॉस में कोई एक जोड़ देते हैं,
मतलब 106 में 5 अधिक है तो 5 जोड़ेंगे, यानी 6 5 क्या हो जाएगा 111, हमारा गुना हो गया 111 30। वैसे ही अगर हम 105 गुने 108 करते हैं तो कितना अधिक है, ये 5 अधिक है और ये 8 अधिक है, 8 पच्चे 40 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 8 पच्चे 40। अब जोड़ देंगे क्या होगा 105 और 8 13, आप क्रॉस में किसी को भी जोड़ सकते हैं, इस 108 में भी 5 जोड़ेंगे तो आपको 13 आएगा और 105 में भी 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 ही आएगा। और देखते हैं 107 गुने 112, अब देखिए ये कितना अधिक है, ये 7 अधिक है और ये कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 सत्ते क्या लिखेंगे 84 लिख देंगे। अब देखेंगे किसी एक को ऐड करके क्या होगा 12 7 119 हो जाएगा। 116 गुने 109 करते हैं क्या होगा, 16 नवा 144, बट क्या लिखेंगे ओनली 44, एक को क्या कर लेंगे कैरी कर लेंगे यानी हाथ से ले लेंगे, उसको क्या करेंगे बगल वाले में जोड़ेंगे। अब देखिए ये प्लस 16 अधिक है और ये प्लस 9 अधिक है तो 16 नवा 144 हो गया, अभी 16 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 125 आए 126 हमारा हो जाएगा। तो प्लस को केस को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। माइनस के केस की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिया है 95 और 86, 95 यानी 100 से कितना कम है, ये 100 से ये 5 कम है, ये 14 कम है, 14 25 70 लिख देंगे। अब किसी एक को वहां प्लस था तो जोड़े हैं, यहां माइनस है तो घटाएंगे, यानी 95 में से 14 जाएगा कितना होगा 81 होगा, या 86 में से 5 गया 81 हो जाएगा हमारा। वैसे ही देखते हैं एक दो और, 92 गुने 96 कर लिए, ये कितना कम है 8 कम है, ये कितना कम है 4 कम है, 8 चौका 32 हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे 92 में से 4 चलाएगा क्या बचेगा 88 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से करके गुना करना सीख गए। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 72 गुने 98 ये कितना कम है 2 कम है, ये कितना कम है ये 28 कम है, 28 दूना 56 लिख देंगे, क्या आएगा कैरी 0, कुछ नहीं आएगा, यानी क्या करेंगे 72 से 2 गया क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 75 गुने 91 करें कितना कम है ये 25 कम है, प्लस सॉरी माइनस 25 और माइनस 9, 25 नवा 225, बट क्या लिखेंगे हम ओनली 25, वो क्या करेंगे कैरी कर लेंगे। अब देखिए 75 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 65 एक 66, 66 और 2 68 हमारा हो जाएगा, यानी 68 25 हमारा आ गया। तो इस तरह से करके 100 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। अब चलिए इस पे दो और देख लेते हैं, 200 प्लस माइनस, 300 प्लस माइनस, 400 प्लस माइनस, यानी जैसे हमने स्क्वायर में 1000 तक देखा था वैसे भी इसमें भी हम लोग 1000 तक देख सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सेशन से जाइएगा नहीं, सेशन को देखते रहिए, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को टी सिखाने जा रहा हूं। देखिए अगर 204 गुने 206 करना हो, यानी यहां पे क्या लेंगे 200 प्लस माइनस लेंगे, तो क्या है प्लस के सेंस में कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, कितना अधिक है 6 अधिक है, 4 6 क्या लिखेंगे 24, किसी एक को जोड़ेंगे, 206 में से 4 गया कितना हो जाएगा 210, या 204 में क्या जाएगा 210। अब देखिए वहां 100 से तो डायरेक्ट लिख दे, यहां क्या है 200 के आसपास, तो क्या करेंगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 420 और 24 हो जाएगा। वैसे ही 208 गुने 209 कितना अधिक है, ये 8 और कितना अधिक है 9, 9 8 क्या लिखेंगे 72। अब क्या करेंगे 208 में 9 जो क्या आ जाएगा 217 गुने किया था, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब भी 200 के आसपास होगा तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 2 दूना 4 434 72। अब 209 गुने 216 लेते हैं कितना अधिक है ये 16, ये कितना अधिक है ये 9, 16 9 हुआ
144 क्या लिखेंगे, 44 क्या कितना होगा, एक ले लेंगे। देखिए 16 नौ क्या 225 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 425 दूना 50 यानी 451 लेंगे, क्योंकि एक तो कैरी भी था तो उसको भी इसमें जोड़ेंगे यानी 451 हो जाएगा। अब उसी तरह आते हैं माइनस वाले टर्म में देख लेते हैं, अगर 196 गुने 192 का मल्टीप्लाई निकालना हो क्या करेंगे, -4 -8 200 से कितना कम है, ये 4 और ये 8 कम है, 8 चौका 32। अब क्या करेंगे इससे से माइनस कितना जाएगा, ये 188 गुने क्या करेंगे 2 2 8 16 2 8 16 1 17 2 1 2 यानी 376 हमारा आंसर आएगा। 182 गुने 197 ये कितना कम है, 18 कम है, गुने ये कितना कम है, 3 कम है, 18 54 ले लेंगे, 18 क्या लेंगे 54 लेंगे। अब 197 में से या तो 18 माइनस करेंगे या 182 में से 3 माइनस करेंगे। अब जैसे ही 182 में से 3 माइनस करते हैं 179 हमारा आता है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, 2 9 18 के 8 हासिल कितना 1 2 7 14 1 15 2 1 2 1 3 358 और 54 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक दो और देख लेते हैं, 200 का मला ही लेना है अभी हमें, 198 गुने 191 -2 और -9 9 2 18 ले लेंगे, जैसे ही 2 माइनस करेंगे 191 तो 189 हो जाएगा। अब क्या करेंगे गुने 2 करेंगे, 2 9 18 के 8 कैरी कितना 1 2 8 16 1 17 2 1 2 1 3 378 18। एक और लेते हैं 188 गुने 194 कितना कम है, ये 6 कम है, कितना कम है ये 12 कम है, ये 12 6 72 के 2 कैरी कितना, सॉरी 72 का 72 लिखेंगे, इसमें कैरी नहीं लेंगे भाई। अब देखिए 194 में से 12 माइनस करेंगे या 188 में से 6 जाएगा, 188 में से 6 जाएगा कितना आएगा 182। देखिए माइनस करने में दोनों में से कोई करना है, आपको जो आसान लगे वो माइनस करना है और उसको वहां पे लिखना है, ठीक है। 182 हमें आसान लगा लिखे, क्या करेंगे गुने 2 2 2 4 लिखेंगे, 2 8 16 के 6 2 1 3 364 72 हमारा ये स्क्वायर सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे 300 400। चलिए एक पॉइंट और मिक्स करके देखते हैं, जैसे 100 अब लेते हैं, इस बार क्या 300 प्लस में लेते हैं, यानी 305 गुने 307 लेते हैं, तो इसमें बेस क्या लेंगे देखते ही पता चल जाएगा हमें बेस क्या लेना है, क्योंकि ये 300 के आसपास है तो क्या लेंगे बेस 3 लेंगे यहाँ पे, यानी ये प्लस 5 है, ये क्या है प्लस 7 है, 7 5 35 यहाँ लिख देंगे और क्या आएंगे 312। जैसे ही ये 312 लिखेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, क्योंकि बेस क्या होगा 3, क्यों 3 बेस होगा क्योंकि ये 300 के आसपास है, 3 2 6 3 1 3 3 3 9 यानी 936 35, 308 गुने 313 कितना अधिक है, ये 8 अधिक है, ये कितना अधिक है ये 13 13 8 13 8 104 क्या लिखेंगे 04 एक क्या लेंगे कैरी। अब 13 और 8 8 3 11 321 हो गया जोड़ने पे, अब क्या करेंगे 3 से मतलब 3 1 3 1 4 3 2 6 3 3 9 964 04 309 गुने 316 16 9 144 लिख देंगे कैरी कितना एक कर लेंगे, 316 और 9 क्या हो जाएगा 325 क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 3 से, 25 3 75 1 76 3 3 9 976 44 हो जाएगा। वैसे ही 400 में देखते हैं प्लस में,
405 गुने 412, क्या अधिक है ये? 5 अधिक है, कितना अधिक है ये? 12। 12 पचे क्या लिखेंगे यहाँ पे? 60 लिख देंगे, और 12 5 17, यानी 417 आया। क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? 4 से, क्योंकि ये 400 के आसपास तो बेस क्या होगा? 4 होगा। 4 सत्ते 28 के 8 लिखेंगे, 4 एकम 4 अदू 6, 4 चौका 16, 16 68 60 हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। और देखते हैं 412 गुने 409, 12 नवा 108, कैरी कितना? 1 हो जाए, क्योंकि 108 में लिख सकते हैं, दो ही डिजिट लेना है हमको, तो 1 क्या कर लेंगे? हासिल ले लेंगे। और जैसे ही 12 और 9 जोड़ क्या आ जाएगा? 421, क्योंकि देखिए 12 और 9 यहाँ पे प्लस 12 और प्लस 9, और बार बार अब लिखना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें सीखना था तो एक एक स्टेप को लिख रहे थे, पर जैसे ही सीख गए तो क्या करेंगे? यहाँ माइंड में करेंगे, और माइंड में करेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, समय कम लगेगा, और कंपटीशन के फील्ड में आपको पता है कि एक एक सेकेंड का वैल्यू होता है, ठीक है? तो क्या करेंगे? गुने कितना करना है? 4 से, 4 एकम 4 आए 5, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 16 85 08। 413 गुने 403, कितना अधिक है ये? 13, और कितना अधिक है? 3, 13 दिया 39, कैरी कितना? 0। अब 413 में 3 का चाहिए 416, अब जैसे ही 416 गुने क्या करेंगे? 4, 4 6 24, 16 चौका 64 लिख सकते हैं, 4 चौका 16, यानी 16 64 39। तो इस तरह से हम लोग 400 प्लस का गुना इजी वे में निकाल सकते हैं। 12 अट्ठे 96 लिखेंगे, और 412 8 420 गुने 4, 20 चौका 80, 4 चौका 16, यानी 16 80 96 हमारा हो गया। तो इस तरह से 400 प्लस, 500 प्लस, 600 प्लस, 700 प्लस, आप लोग का होमवर्क रहा ये, क्या करना है कि बस ज़्यादा नहीं करना है, 500 प्लस माइनस में 10, 600 प्लस माइनस में 10, 700 प्लस माइनस में 10, और 800 प्लस माइनस में 10 आप निकाल करके या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, या आप कमेंट में भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी भेज सकते हैं। इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक हम आप लोगों को दे देंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और छूटा हुआ था माइनस में, यानी 296 गुने 292। अब ये भी क्या है? बेस कितना लेंगे? 300। 300 से कितना कम है ये? माइनस 4 माइनस 8, 8 चौका 32। क्या लेंगे? 8 चौका 32। जैसे ही इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या होगा? 292 में से 4 गया, क्या होगा? 288, या 296 में से 8 गया तब भी 288 ही आएगा। गुने क्या करेंगे? 3। अब ये नहीं करना है कि ये 2 है तो 2 ले लेना है, हमने बेस क्या माना है? 3। 3 क्यों माना है? क्योंकि 300 में से माइनस किया है हम लोगों ने, तो 3 बेस माना है। 3 अठे 24, 3 अठे 24 दू 26, 3 दूना 6 दू 8, 864 32 हमारा आंसर आया। 295 गुने 288 कितना कम है ये? 5। ये कितना कम है? 12। 12 पच्चे 60 लिखेंगे। किसी एक को माइनस करना है, 288 में से 5 गया, कितना आएगा? 283 गुने कितना? 3 करना है, 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24, 3 दुना 6 दो 8, 849 60 हमारा आंसर आएगा। 293 गुने 285 क्या है? माइनस 7 माइनस 15, 15 सते 105, 05 एक क्या होगा? कैरी। जैसे ही 285 में से 7 माइनस करेंगे या 293 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या? 15 8 78, 278 गुने क्या करेंगे? 3, 3 अट्ठे 24 एक 25, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 दुना 6 2 8, 835 07। वैसे ही 400 प्लस माइनस में देख सकते हैं, 392 इंटू 393 ये कितना कम है?
8 कम है, ये कितना कम है 7 कम है, 8 सते 56 ले लेंगे। जैसे ही 8 सते 56 लेंगे अब क्या करेंगे, किसी एक को माइनस करेंगे, 8 5 13 385 गुने क्या 4 करेंगे, क्योंकि हमने इसे 420 पे माइनस किया है। तो 4 5 20, 4 8 32 2 34, 4 3 12, 3 15, 15 40 96, 389 गुने 386 माइनस 11 माइनस 14, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 14 एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 एकम 14 एक 15 154, कैरी कितना 1, 154 नहीं लिखेंगे 54 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। जैसे ही ये माइनस करेंगे 375 हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, 4 5 20 1 21, 4 7 28 2 30, 4 3 12 3 15, 15 0 1 54 हमारा आंसर आया। वैसे देखते हैं हम लोग 493 गुने 498 ये कितना कम है 7, ये कितना कम है 2, किससे कम है तो 500 से कम है ये, तो यहां बेस क्या हो गया हमारा 500 हो गया, यानी 7 दुना 14 लिख दिए और माइनस करेंगे 493 से 2 गया क्या होगा 491 गुने क्या करेंगे 5, क्योंकि हमने बेस क्या लिया है 5 लिया है, 5 एकम 5, 5 नवा 45 के भी 5 होगा, 5 होगा 20 4 24, 24 55 14 हमारा आंसर हो गया सही। 485 गुने 494 ले लेते हैं, माइनस 6 माइनस 15, 15 6 90, क्या लिखेंगे 5 6 90, जैसे ही माइनस करेंगे 485 में 6 क्या आ जाएगा हमारा 489, 479, क्या मल्टीप्लाई करना है इसमें 5 से करना है, 5 नवा 45 के 5 कैरी कितना 4, 5 सते 35 और 4 39, 5 सते 35 और 4 35 4 39 कितना बचेगा 3, 5 होगा 20 और 3 23, 23 95 90। तो इस तरह से हम लोग 400 प्लस माइनस, 300 प्लस माइनस, 200 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस में इजी वे में मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के हम लोग सेशन में देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला, आज के सेशन में मल्टीप्लिकेशन का पूरा खत्म नहीं हुआ, कुछ पार्ट बचा हुआ है, कुछ पार्ट बचा हुआ है, यानी हमने देखा कि प्लस प्लस यानी 415 गुने 412, यानी यहाँ भी प्लस का सिंबल, यहाँ भी प्लस, यानी यहाँ प्लस और प्लस में बढ़िया किया तो क्या आया प्लस आया, और माइनस गुने माइनस भी किया तो क्या आया प्लस आया। बट एक चीज और भी है जिन हम लोग अभी देखे नहीं है, यानी 105 गुने 95 कैसे निकाले, 105 गुने 95 कैसे निकाले, यानी ये कितना कम है 100 से, सॉरी 100 से कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, और ये कितना कम है ये 5 अधिक है, यानी 50 का 25 तो यहां लिख देंगे। बट पहले वाले में क्या था कि अभी जो साइलेंट मैंने सब सिंबल सिंबल का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो वहां पे प्लस 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 आ रहा था, माइनस माइनस प्लस आ रहा था, तो हम लोगों ने इग्नोर किया। बट यहां जैसे ही इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा, यानी क्या आएगा माइनस 25 आएगा, और उसके बाद किसी एक को लिखें तो क्या होगा 100 आएगा। बट क्या हम लोग इस तरह से लिखते हैं 100 माइनस 25, ये मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से लिख पाएंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बस इसमें से एक कैरी लेते हैं, जैसे ही एक कैरी लेंगे तो ये 100 बन जाता है। 100 क्यों बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहां से गिरे तो ये इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा का मतलब क्या 100 बन गया हुआ हमारा, तो जैसे ही 100 में से माइनस क्या आएगा 75, और ये चला गया तो कितना बचेगा ये 99, 100 में से एक गया तो क्या होगा देखिए यहां पे 99 और 75 आ जाएगा। तो ये सेक्शन अभी हम लोगों ने देखा नहीं था, तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देख ही लेते हैं।
92 लेते हैं। कितना ज्यादा है ये? 7 अधिक है। ये कितना कम है? 8 अधिक है। 8 सते 56, बट क्या है? माइनस। तो इसको ऑटोमेटिक आप 100 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 4, और ये क्या आएगा? 4, 44 आ गया। अब ये 100 कहां से आया? देखिए, जैसे ही इस 92 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 99, या 107 में से 8 माइनस करेंगे। देखिए, गौर करना यहां है कि यहां प्लस का सिंबल है तो जोड़ना है, और यहां माइनस का सिंबल है तो घटाना है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, कहीं से भी क्रॉस में ही जोड़ घटाव करना है, क्रॉस में ही जोड़ेंगे और क्रॉस में ही घटाएंगे। यानी जहां प्लस होगा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, माइनस होगा तो घट जाएगा। अब देखिए, ये क्या आ गया हमारा? 107 में से 8 गया 99, बट ये 99 यहां नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 98 क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक तो ऑलरेडी कैरी ले चुके हैं पहले। देखिए, 92 × 109 लेते हैं, कितना अधिक है? ये 8, ये कितना कम है? 8 कम है। ये कितना अधिक है? 9 कम है। 8 नामक क्या हो जाएगा हमारा? 72, बट क्या लिखेंगे? ये माइनस 72 होगा तो क्या लिखेंगे? 28, क्योंकि ये ऑटोमेटिक 100 में से माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो इसके जोड़ में से कम हो जाएगा। यानी क्या होगा? ये 99 में से गया क्या होगा? 98 क्यों होगा? क्योंकि देखिए, 92 और 9, 99 या 109 में से 8 गया, 101 होगा ये, 101, तो यहां पे क्या आएगा हमारा? 100 आ जाएगा, क्योंकि 101 एक तो कर ही ले चुके हैं, तो क्या बचा? 128। तो चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सोचते थे ये सेशन कल के लिए, बट चलिए आज ही कंप्लीट करते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, और भी कुछ ट्रिक है तो कल के सेशन में लेकर के हम लोग आ जाएंगे। और एक मल्टीप्लिकेशन का एक जनरल रूल होता है जो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में वो लागू होगा, क्योंकि हमने ये जो बताया एक स्पेशल केस में ही लागू होगा। 100 प्लस माइनस लिए तो कहां लागू होगा? 75 से लेकर के 125 के बीच में। 200 प्लस माइनस लिए तो क्या होगा? 125 से लेकर 175 के बीच में। 300 प्लस माइनस तो क्या होगा? 225 से लेकर के 275। मतलब ये एक स्पेशल केस में, हालांकि बीच में भी लागू होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा। लेकिन हम क्यों सीख रहे हैं? इजी करने के लिए, तो हमें इजी करने के लिए। तो एक जनरल होगा जो हम लोग कल के सेशन में लेकर के आएंगे, और प्लीज कल का सेशन भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बिल्कुल ऐसे ही लगातार बने रहिए, क्योंकि इस बार हम लोगों को RRB पार करना है, इसीलिए हम लोग स्लोगन रखे हैं 0 to Job। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे 192 × 208 ले लेते हैं, ये भी प्लस माइनस का केस है। क्या कितना कम है? ये 8 कम है। ये कितना अधिक है? ये 8 × 8 = 64, बट क्या? माइनस। क्या लिखेंगे? 36। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक ये 100 में से माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही 208 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 200, या 192 में 8 तो क्या होगा? 200। क्या करेंगे इसमें? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 200 बेस के आसपास है, तो क्या हो जाएगा? ये 400, बट 400 क्या लिखेंगे? नहीं, इसमें से एक तो कर ही ले चुके, तो क्या होगा? 399। लेकिन हमारा मतलब क्या आएगा? 399 36। एक दो और देखते हैं। 209 × 197 ले लेते हैं, क्या आएगा? +9 − 3, 9 × 3 = 27, 100 में से माइनस करेंगे क्या आएगा? 63 आ जाएगा। और जैसे ही कोई एक लेंगे, यानी 209 में से 3 गया, 206 × क्या करेंगे? 2 × 2 = 12, यानी 11 लेंगे, 2 × 2 = 4, 411 63 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा अभी तक, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 109 × 85 ले लिए, ये कितना अधिक है? ये 9 अधिक है। ये कितना कम है? ये 100 से 15, क्योंकि बेस क्या हो गए इन दोनों के लिए? बेस 100 ही है। याद रहे, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में जब भी दो डिजिट लेंगे तो बेस दोनों का सेम लेंगे, ऐसा नहीं कि इसका हम 200 ले लेंगे, इसका हम क्या लेंगे? 100 लेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो बेस हमेशा सेम लेंगे। 15 नवा
135। अब क्या है कि ये 135 माइनस आया, तो यहाँ पे दिमाग में आप कह रहे हो कि सर 100 में से कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ 100 में से नहीं 200 में से तो माइनस हो सकता है ना। तो जैसे ही 200 में से माइनस होगा, सॉरी 135 आया, तो क्या होगा, ये 200 में से माइनस हो सकता है, तो क्या आएगा ये 65। यानी 200 लिए यानी इसके जोड़ घटाव में जो आएगा, जैसे 85 में 9 जोड़े 9 5 14 94, 94 से क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे, यानी क्या बचेगा 92। आंसर क्या आएगा हमारा 92.65 आ जाएगा। 112 गुने 87 रहते हैं, कितना अधिक है ये 12, ये कितना कम है ये 13 कम है। अब 12 गुने 13, 13 दुना 26, 13 कम 13 यानी 156 आएगा, 156 आ गया, माइनस 156 आ गया। तो यहां क्या करेंगे, बस सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको 200 में से माइनस कर देना है, क्या आएगा हमारा 44 आ गया। अब 200 वहां जब बेस माइनस किए हैं, तो यहां क्या करेंगे, जैसे ही 112 में 13 माइनस करेंगे या 87 में 12 जोड़ेंगे, 87, 88, 89 में से 2 घाएगा यानी 97 बचेगा। मतलब सीधा सा सिंपल सा जवाब ये है कि जितना यहाँ लेंगे माइनस करने के लिए उतना यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि पड़ोसी से जब लिए हैं तो अगर एक रुपया पड़ोसी से लिए हैं तो घर पे भी एक रुपया ही देंगे, ऐसा नहीं कि एक रुपया लेकर के दो रुपया लेकर के एक रख लेंगे और एक पड़ोसी को वापस कर देंगे। 208 गुने 193 प्लस 8 माइनस 7 93 हम लोग देख चुके हैं, 89 ले लेते हैं, क्या होगा 11 होगा, 11 8 88 माइनस क्या बचेगा 88 89 90 12 बचेगा, यानी प्लस 12 आ गया। और जैसे ही 208 में से 11 माइनस करे या 189 में 8 जोड़े 9 8 17 197 गुने 2 2 7 14 1 13 2 9 18 1 19 2 1 2 1 3 393 और 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन सीख लिए। अगर आप लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा भी लगे कि प्रॉब्लम है तो बताइएगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट में ये आता है या कभी कभी कॉलिंग करते थे कहते सर बहुत शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं, तो एक बार बता दें आप लोगों को कि आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि ये हम लोग एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिवीजन कोशिश करना है कि आपको जो बताएं एक बार उसको कॉपी पलटें, और आपके अगर कॉपी में नहीं है तो एक बार आप प्लीज़ बताएं कि हाँ क्या करना है, तो फिर से एक सेशन इसका अच्छे से बना देंगे और उस पर फिर अच्छे से पूरा डिस्कस कर देंगे। बट अभी जितना हो पा रहा है उसको हम कर रहे हैं, और कोशिश रहेगा कि आपको पर डे ऐसे ही अपडेट करते रहे नए नए वीडियो को ला करके, और आपका पढ़ाई की तैयारी होता रहे, क्योंकि जैसे ही इससे निकलेंगे फिर हमें अर्थमेटिक शुरू करना है, एडवांस शुरू करना है, क्योंकि अभी सामने SSC CHS का एग्ज़ाम है, CPO का एग्ज़ाम है, CGL का एग्ज़ाम है, और बैंक की बात करें तो बरसात होने वाली है जॉब की, जैसे RRB PO क्लर्क, IPS PO क्लर्क, SBI PO, LIC इन सब का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए गाइस आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।